रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन शुक्ला और आप देख रहे हैं रफ्तार एमपीसीजी एक्सप्रेस। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया। यूपी और उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। राजधानी रायपुर में भाजपा कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और जमकर खुशी जाहिर की। जय श्री राम के नारे के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई और रंग से सराबोर ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते नजर आए। वहाँ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी राज्य सरकार पर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में जनता द्वारा नकारे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता ने अपने विश्वास की मुहर लगाई है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोबारा भाजपा के काबिज होने पर कहा कि मोदी और योगी के डबल इंजन का सरकार में यह चमत्कार हुआ है। डेवलपमेंट का यही नतीजा है कि पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनी है। परिणाम बता रहे हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है तो रिजल्ट दिखता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इनमें चार राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम पहली बार लहराया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पांचों राज्यों में ही कांग्रेस को पराजय झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वरिष्ठ पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, लेकिन उनकी आस पर पानी फिर गया। हालांकि कांग्रेस इसे जनाधार का एक हिस्सा मान रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल को देश के सभी में सराहा गया है, पर मताधिकार में जनता अपनी राय देती है। उन्होंने कहा कि जनता का मत हमें स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस ने सभी राज्यों में अपना दमखम दिखाया है। पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को मिली जीत पर सीएम योगी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा की इस जीत के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से बात की और उन्होंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। रमन ने कहा कि भाजपा की यूपी में प्रचंड जीत ने छत्तीसगढ़ के भाजपा पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि हमने जीत हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई के बाद महिला कांग्रेस विधायक छन्नी साहू का दर्द फूट पड़ा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी की महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। आसंदी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि विधायक के विरुद्ध कार्रवाई उचित नहीं है। सदस्यों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की दोबारा जाँच कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने निर्देश दिए। कहा कि 11 मार्च को सदन शुरू होने से पहले जांच रिपोर्ट दिया जाए। इसके साथ ही विधायकों की सुरक्षा बढ़ाकर दुगुनी करने का भी निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में आकर विभाग की टीम लगातार अलग अलग जिलों में जाकर दबिश दे रही। वहीं कई कारोबारी आईटी के निशाने पर हैं, सभी करीबियों के घर में भी जाकर दबिश दे रहे। वहीं आयकर की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बघेल ने कहा कि मेरा केस सही निकला, इनकी वर्किंग से पता चलता है कि यहां ये बौखलाते हैं वहां टीम भेजते हैं। झारखंड के चुनाव हुए थे तब भी आईटी की टीम भेजी थी, इस बार यूपी के चुनाव हुए वहां टीम भेज दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक दलेश्वर साहू ने बायो डीजल का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलने का आरोप लगाया है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि जब से डीजल के रेट आसमान छू रहा है तब से बायो डीजल का अवैध कारोबार छत्तीसगढ़ में फैलता जा रहा है। डोंगरगांव विधायक दिलेश्वर साहू का कहना है कि मंत्री को बायो डीजल की कालाबाजारी पर गलत जानकारी दी गई है और जो शासन की गाइडलाइन है राज्य सरकार और भारत सरकार की उसके नीति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही कहा कि जांच के नाम पर मात्र फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। उन्होंने सदन में कहा कि मेरे क्षेत्र में अवैध बायो डीजल का कारोबार बिल्कुल ही नहीं चलने दूंगा। विधायक ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से जांच और कार्रवाई की मांग की, जिस पर मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात भी कही है। नगर निगम रायपुर द्वारा व्यापारियों से यूजर चार्ज के नाम पर भी की जा रही है अवैध वसूली के विरोध में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना किया। प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना और शहर जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। भारत की माने तो रायपुर नगर निगम में छोटी छोटी बस्तियों में 40-50 फीट की दुकानों से यूजर चार्ज के नाम पर 3,660 रुपए की अवैध वसूली की, जो कि पूरी तरह से अन्याय एवं अत्याचार है।
रायगढ़ जिले के तमनार में JSPL फाउंडेशन द्वारा अनाथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवनिर्मित जिंदल चिल्ड्रन होम का ऑनलाइन लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। 50 लड़कियों एवं 50 लड़कों की क्षमता वाले भवनों में नवनिर्मित जिंदल चिल्ड्रन होम में बच्चों की जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही उनके व्यक्तित्व और कौशल विकास का भी प्रयास किया जाएगा। जिंदल स्टील एवं पावर की CSR इकाई JSPL फाउंडेशन ने रायगढ़ जिले के तमनार में जिंदल चिल्ड्रन होम का निर्माण किया। यह अनाथ लड़कियों और लड़कों के रहने के लिए दो अलग अलग भवन बनाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने JSPL फाउंडेशन द्वारा वंचित बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए की गई इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्योग की उन्नति समाज का बड़ा योगदान होता है। छत्तीसगढ़ की बेटी पल्लवी धुरंधर नायक को हाल ही में प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस जर्नल में टॉप 20 सोशल मीडिया प्रबंधक के रूप में जगह दी गई है। पल्लवी एकमात्र भारतीय है जिन्हें इस बिजनेस जर्नल में स्थान मिला है। इस खास उपलब्धि के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की बेटी पल्लवी धुरंधर नायक को उक्त उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने पल्लवी को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ व देश के लिए गौरवपूर्ण बताया है। वहीं राज्यपाल उइके ने कहा कि न केवल देश में बल्कि सात समुद्र पार भी छत्तीसगढ़ की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। तो रफ्तार MPCG एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रफ्तार मीडिया।